ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं पटियाला से, जहां पर आपको बता दें ये रोती हुई माँ अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें 17 तारीख को पटियाला की तेजबाग कॉलोनी से अयोध्या राम मंदिर के लिए एक बस रवाना होती है, जिसमें दो बच्चे बताया जा रहा है कि जिसमें बच्चे जो है वो बस में सवार होकर राम मंदिर अयोध्या के लिए रवाना होते हैं, और 18 तारीख को ये बच्चे लापता हो जाते हैं। बताया जा रहा है ये बच्चे लापता हो गए हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और जो डर और जो माँ की आंखों में आंसू है उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये डर भी है, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आई कि नदी किनारे से इन दोनों बच्चों के कपड़े जो हैं वो मिले हैं, जिससे परिवार में डर का माहौल है कि कहीं बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तस्वीरों में दर्द जो है वो साफ बयां जो है वो देख पा रहे हैं आप, तस्वीरें साफ दर्द जो है वो बयां कर रही हैं। बताया जा रहा है कि जो बस रवाना हुई थी 17 तारीख को तेजबाग कॉलोनी से अयोध्या राम मंदिर के लिए, वो बस भी वापस आ चुकी है, लेकिन बच्चे कहाँ गए इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी जो है वो हाथ नहीं लग रही है। प्रशासन के साथ लगातार बताया जा रहा है कि संपर्क किया जा रहा है, लेकिन संपर्क करके जो है वो तलाश बच्चों की लगातार की जा रही है, तो वहीं अपने बच्चों से दूर और बच्चों के इस तरह से वापस ना आना, जिससे माँ का रो रो कर हाल बेहाल है। इस पूरे मामले में बयान भी सामने आया माँ का, आइए आपको सुनाते हैं। बस हाथ जोड़ के ही बेनती है, जिसनों भी ये दो बच्चे मिल रहे ने सानू जेड़ा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिता है उससे सानू इतलाह दी जाए, ताकि बहुत बहुत मेहरबानी होएगी, बहुत बहुत पता नहीं मेरे बच्चे की साल कार्तिक किन्नवी च पढ़ता सी क्या? मेरा बच्चा 10वीं च पढ़ता था जी, दूजा बच्चा 9वीं च, दोनों आम उम्र दे ही है जी, दोनों बच्चे ठीक ठाक अपनी माँ के कोल आ जाए। गल करिए लेके जाते हैं और तो जिम्मेवारी कि बनती है, क्योंकि दस्या जा रहा भी तुसी।